हर चीज को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, फिर चाहे वो आपकी डाइट हो, यूट्यूब चैनल हो, या फिर जिस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके हेयर ही क्यों ना हो। अगर आप हैशटैग इंस्टाग्राम फैम से बिलोंग करते हो, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि मैं अभी अपने हेयर को ग्रो आउट कर रहा हूँ। एक स्टेज पर हूँ जहां पर मैं इनको लंबा करना चाहता हूँ, और बेसिकली ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितने भी मेरे गबरूज है जो लॉन्ग हेयर रखना चाहते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम उनके शूज में रहकर समझ सकूँ और समझ सकूँ कि ये लॉन्ग हेयर भी पा सको और हेल्दी हेयर भी पा सको, उसका जुगाड़ क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपनी फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आप हेयर ग्रोथ करने की सोच रहे हो, और मैंने इतनी हेयर ग्रोथ कैसे करी अपना एक्सपीरियंस आज की वीडियो में शेयर करूंगा। सो हेलो गाइस, वी लक्ष्य हो वंस अगेन, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कर खुद की कदर और मत कर सफर, आया अर्बन गबरू, ना कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू, ना कर स्टाइल की फिकर तू, समझा गया। तो हेयर ग्रोथ के लिए मैंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स करे हैं, एंड सबसे पहला जो मैंने मेथड अपनाया था वो था यूजिंग अ माइल्ड शैम्पू। तो अगर आप एक पुराने गबरू हो, अगर आप एक सच्चे गबरू हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमें ऑल्टरनेट डेज पर शैम्पू करना है। अगर आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी, अच्छी रहेगी, तभी वो हेल्दी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आप यूज कर रहे हो हार्श शैम्पूज अपने बालों के लिए, तो वो जो नेचुरल ऑयल्स का बिल्डअप होता है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको वो रिंस ऑफ कर देता है, स्ट्रिप ऑफ कर देता है एंड लेता है। हेयर ग्रोथ के लिए नेचुरल ऑयल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्कैल्प के लिए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। यहां पर मैं आपको एक शैम्पू रेकमेंड करने वाला हूं, वो है हमारा खुद का रेड अनियन शैम्पू अर्बन गबरू का, जो अभी अभी लॉन्च हो चुका है, अमेज़न पर आपको मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं डाले हुए हैं हमने, और साथ ही साथ रेड अनियन सबसे ऊपर माना जाता है हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली। इसको स्कैल्प से लेकर टिप्स तक लगाना है, और अगर आप हेयर ग्रोथ का आपका गोल है, बेसिक हेयर ग्रोथ आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ। वो ये है कि इसको लगाकर आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो, भूल जाओ, अपने काम में व्यस्त रहो, और साथ ही साथ जैसे ही 5 मिनट होते हैं इसको रिंस ऑफ कर लो। आपको पहले ही वॉश में रिजल्ट्स दिख जाएंगे किस तरीके से आपकी ये हेल्प करने वाला है हेयर ग्रोथ में। ऑल्दो इसके हाउ टू यूज वाले पार्ट में लिखा है कि वेट अप्लाई एंड रिंस, लेकिन ये वाली बोनस स्टेप मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। साथ ही साथ यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप कोई और शैम्पू यूज कर रहे हो, अगर हार्श शैम्पू यूज कर रहे हो, तो आपको हफ्ते में अब 3 बार से हटकर 2 बारी पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि वो नेचुरल ऑयल्स इंटैक्ट रहे। एंड अगर आप ये वाला शैम्पू यूज कर रहे हो, तो आप 3 बारी कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज पर। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल एक बियर्ड की तरह है कि लेट इट ग्रो गबरूज। बहुत सारे गबरूज यहां पर अब परेशान रहते हैं कि मेरे बाल अगर लंबे हो रहे हैं तो वो झाड़ू जैसे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा घोंसला जैसे दिख रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझको बस एक बात बताओ कि जब तक आप बालों को ग्रो आउट नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपके ऊपर अच्छे लगने वाले भी हैं या नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इसको वाइडली ग्रो होने दो। आपको अपने साइड्स और बैक का ध्यान में रखना है, इनको रेगुलर ट्रिम्स देने हैं, रेगुलर कट्स देने हैं। एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया में जितने ही बार्बर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी कर दूँ इसके बालों में, जैसा मैं चाहूँ वैसा हेयर स्टाइल दे दूँ। लेकिन आपको उसको टोक के बोलना पड़ेगा हर एक बार्बर को कि ऊपर के बालों को छुए भी ना, सिर्फ साइड से मतलब रखे, वरना आपकी सारी मेहनत पानी में जाने वाली है। थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इनको बहुत अच्छे से रॉक कर दोगे, मुझको आप लोगों पर पूरा भरोसा है गबरूज। ड्राई हेयर टेंड टू ब्रेक मोर इजीली, एंड यहाँ पर हम हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ना कि हेयर रिमूवल की। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हेयर और स्कैल्प की हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड आजकल की तेज़ गर्मी की वजह से मॉइस्चर रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आई ऑलवेज यूज़ अ लीव इन कंडीशनर। ये बहुत अच्छे से आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ करता है, वो है फ्रिजीनेस हटा देता है। एंड अगर आपके बाल मेरी तरह रफ या फिर ड्राई हैं, तो आपको एक लीव इन कंडीशनर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इस पर्टिकुलर ब्रांड के हाउ टू यूज डायरेक्शंस में ये लिखा है कि आप इसको स्कैल्प पर भी यूज कर सकते हो, एंड आपको रिजल्ट्स अपने आप देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही आपने शैम्पू किया, आपके हेयर डैम्प है, उसके बाद आप इसको लगा लो, छोड़ दो, एंड आप देखोगे कि कितने ज्यादा वॉल्यूम वाले और कितने ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं आपके बाल। अब कितने गबरूज की मम्मी बोलती है कि मेरे बच्चे आ जा तेल लगा लो, तेरी चब्बी गल, तेरे बाल जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। वेल गबरूज, ये समझना जरूरी है कि तेल एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है आपके बालों में, एक कंडीशनर की तरह काम करता है आपके बालों में। उससे हेयर ग्रोथ लेना पॉसिबल तो नहीं होने वाला, खास करके अगर वो नॉर्मल ऑयल हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑयलिंग नेसेसरी नहीं है, वो बहुत बड़ी नेसेसिटी है, आपकी स्कैल्प उससे मसाज होती है, लेकिन यहां पर आपको कोकोनट ऑयल या फिर जो मस्टर्ड ऑयल हमारे इंडिया में मिलता है, उसको अवॉइड करना, क्योंकि यहां पर हम टारगेट कर रहे हैं ग्रोथ को। मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपना अनियन ऑयल, एंड ये मुझको इतने ज्यादा ट्रिमेंडस रिजल्ट्स दिखा चुका है 2 से 3 महीनों में ही। एंड अनियन अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ एक
अलग सा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बहुत लोगों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है आज तक, इसलिए हमने इसको शैम्पू में भी डलवाया है और साथ ही साथ अपने ऑयल में भी डलवाया है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ मिलकर बनता है, तो अभी मेरा ये मतलब नहीं कि जाके आप प्याज काटो, अपनी आंखों से आंसू निकालो, उनको बालों में रगड़ने लग जाओ, वो एक रॉ तरीका है, वो प्रॉब्ली कुछ और आपके बालों के साथ कर देगा, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तेल है एंड साथ ही साथ इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत किसी तरीके से डाल रखी है। लेकिन जिस दिन आप कंडीशनर यूज कर रहे हो उस दिन ऑयलिंग अवॉइड करो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि दो दो कंडीशनर एक साथ आए। जिस दिन आपने कंडीशनर किया उसके अगले दिन ऑयलिंग करो, फिर उसके अगले दिन जब आपने कंडीशनिंग किया फिर उसके अगले दिन ऑयलिंग करो, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप लोग आर्गन ऑयल भी यूज कर सकते हो, कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट चाहिए और फास्ट रिजल्ट चाहिए थोड़े जल्दी, तो आप लोग यूज कर सकते हैं अनियन ऑयल। कैस्टर ऑयल और आर्गन ऑयल भी बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं, लेकिन वो ओवर टाइम देते हैं, आपको लगाते रहना पड़ेगा कम से कम आराम से 8-10 महीने। लास्ट टिप मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि हेयर केयर जरूर करो गबरूज। यहाँ पर आप अपनी डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए कैप्स पहन सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ड्रग्स और स्टेरॉइड्स अवॉइड करो। एनवायरनमेंट हमने इतना ज्यादा पॉल्यूटेंट बना दिया, इतना ज्यादा क्रूअल बना दिया है कि हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो आजकल लोग बहुत ज्यादा हेयर फॉल फेस करते हैं, तो वो उस वजह से ही होता है। एंड सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस फ्री रहो, अपने काम में मजा करो, मतलब मजे से काम करो, खुश रहोगे ना तो आपके बाल भी एकदम खुश होकर ग्रो करेंगे। तो गबरूज ये थी आज की वीडियो, आपको बताई 5 टिप्स जो मैंने खुद फॉलो करी है अपनी पर्सनल लाइफ में एंड मुझे किस तरीके से हेल्प करी। अगर आप चाहते हो कि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से पता चले, तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड हमें फॉलो कर सकते हो हमारे दूसरे ब्लॉग चैनल विच इज लक्ष्य एंड अपार शो। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश। अरमन गबरू आउट। समझा गया।